छपा रहे थे ताकि दीदी ना देख ले। ऑल ऑफ सडन ओली खाना खाते खाते चमत्कार वो गायब हो गया। इट्स 12:30 इन द नाइट एंड वी आर सर्चिंग फॉर ओली क्योंकि वो कहीं नहीं दिख रहा है। हमने आज उसको उस फ्लोर पे छोड़ा था और अभी वो गुम गया है। पूरे तीनों फ्लोर पे सर्चिंग चल रही है एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड हिम। एक पे उतर तो गया मैं आराम से। ये तो मजा आ रहा है। लगी भी नहीं मुझे तो वाह। ये तो बहुत एडवेंचरस कर रहा हूँ मैं आप ये देखो मम्मी एक मिनट के अंदर मैं पूरी सीढ़ी उतर गया। वो ये भी फास्ट में उतर ये 2x पे चल रहा है। नहीं उतरा तेजी में वहाँ उसको मजा था ज्यादा आ गया था पेट वहाँ से वापस आने का सोचेगा भी देखना जब कैसे उतर रहा वीडियो में डालेगी। पहले ये बताएं ओली को भगा के आपको कैसा लगा। यही है वो आदमी जिसने ओली को भगाया। मेरे को ओली दिख गया था वहीं ठीक है। फिर क्या ओली घूमा कैसे मुझे भी याद नहीं है बाहर गया कैसे। क्योंकि आपने गेट खुला छोड़ा। नहीं मैंने गेट नहीं खुला छोड़ा था। झूठ मत बोला। डोर ओपन हो गया था गलती। और सारा ब्लेम पापा पे डाल दिया था। चुपके से डाला। पापा ने सबके सामने सच्चाई ला दी। क्या कि तुम याद नहीं आया था तुमसे हुआ। मुझे याद नहीं तुम्हें पापा का तो बड़ी जल्दी वो तो मिल गया। पापा का बड़ी जल्दी आया था। पापा खाना खा के आया और पापा ने कर दिया। मैंने बोला था हमने तब देखा था आखिरी दर्शन उस टाइम हुए दर्शन जब पापा खाना खा रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन ओली खाना खाते खाते चमत्कार वो गायब हो गया। तो जैसे कि आपने देखा कि ओली मिल गया है यहाँ पे है वो टब में। तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। नॉर्मली जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो मेरे रूम में रहता है बट इस टाइम पापा ने उसको निकाल के हॉल में डाल दिया। हम सब डिस्कशन कर रहे थे मम्मी पापा के रूम में एंड पापा थे सिर्फ अकेले हॉल में और पापा ने उसको देखा भी था वो हॉल में घूम रहा था। फिर जीजा जी गए हॉल में और वो थोड़ा सा गेट खुला छोड़ा एंड ओली इज वेरी चालू आ। जब भी उसको जगह दिखती है कोई नहीं दिखता है उसका वो बहुत तेज दौड़ लगाता है। जिसको भी गलत फहमी है ना कि कछुए बहुत धीरे चलते हैं। कछुए बहुत तेज दौड़ लगाते हैं। तो उसने देखा कि कोई नहीं है और वो इधर उधर किधर नहीं गया। वो सीधे सीढ़ियों से टप 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 नीचे। थैंक गॉड हमारे घर कैमरास लगे हुए हैं तो उसमें दिख गया। हमने उसको चेक कर लिया वरना अदरवाइज हमने पूरा घर टटोल लिया था कि हाँ क्योंकि हर बार ऐसा होता है वो किधर ना किधर पे कॉर्नर्स पे रहता है तो हमको लगता है मिल जाएगा तो हम इतना लोड नहीं लेते। दिस टाइम यू गाइस हम लोगों ने इतना ढूंढा है ना पूरे घर में फिर हमने कैमराज चेक किए एंड फाइनली भाई साहब मिल गए। पूरे घर का चक्कर मार के आए हैं आज। सो ये थी स्टोरी बट थैंक गॉड मिल गया। हमको ये डर लग रहा था कि कहीं से नीचे ना गिर गया हो या इतना ही नीचे से बाहर ना निकल गया हो बस उस चीज़ का डर था बट थैंक गॉड ही इज़ हियर। देखो मैं और शर्मा जी आए थे मम्मी का सूट उठाने के लिए ठीक है। हमको बीच में दिखा आइसक्रीम का ठेला मैंने इनको मना किया कि उसकी आइसक्रीम नहीं बिकी। चुप रहो झूठ मत बोलो। मैंने कहा इग्नोर करो क्योंकि इनको और ये जुकाम लेकिन ये नहीं माने। इनका मानना ये है कि जो डिब्बी वाली आइसक्रीम होती है वो गर्म होती है वो ठंडी नहीं होती है। सो ये प्योर दूध की बनी अदरक है इसमें। I am having cone and he is having और इसलिए मुँह छुपा रहे थे ताकि दीदी ना देख ले। इसने तो सब सबूत ले लिया रे भाया। आज नहीं दिखाना जब मैं डालूंगी ना तब दीदी देख लेगी व्लॉग में। तब देखेगी ना। हाँ तब तक तो उसको पता भी नहीं चलेगा तब तक मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो वही ना इसी चक्कर में अभी मत दिखाना मुझे साइन कर देना ये। अच्छा तो आने दीजिए अच्छा
अभी मुँह छुपा रहे थे, अभी बोल दे बाद में डालूंगी तो अच्छा तो आने देती। नहीं वैसे भी तू मेरे को ब्लॉग में अच्छा नहीं लेती है, मेरे लिए कंप्लेन है। ब्लॉग में आते कितना है, टाइम हो किसी के पास तभी ना। वेरी बिजी, आई एम अ बिलियनियर। बाय। इट्स 5 इन द इवनिंग एंड आई एम रेडी बिकॉज हम जा रहे हैं फैमिली डिनर पे। लाइक पहले हम शायद मंदिर जाएंगे और उसके बाद शायद कहीं घूमने, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और फिर हम जाएंगे डिनर पे। दीदी और जीजा जी की शादी के 2 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक हम भोपाल में 6 के 6 कहीं भी घूमने नहीं गए थे, दिस इज़ आर फर्स्ट टाइम। तो आज हम जाने वाले हैं, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई, मेरे बाल अभी भी थोड़े गीले हैं तो उन्हें थोड़ा मुझे सुखाना है और मैं देखती हूँ मैं क्या हेयर स्टाइल करने वाली हूँ, अदरवाइज आई एम ऑलरेडी, लेट्स गो। सबसे पहले हम गए विंटर वेयर शॉपिंग करने, जो कि लेना था जीजा जी को और पापा को, तो दोनों को ही जैकेट्स लेने थे। तो हर साल भोपाल में ये एक तिब्बतियों का पूरा एक स्टॉल लगता है, लेन लगती है बेसिकली, जहाँ पे सारे विंटर वेयर्स मिलते हैं। ये जस्ट संगम टॉकीज के सामने है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको विंटर में कलेक्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पापा ने और जीजा जी दोनों ने ही अपने लिए जैकेट्स देखे। लग रहा है कश्मीर में हो। कलर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, कैमरे में ग्रे आ रहा है, जूते वूते कुछ जम रहे हैं, बहुत ही मन चढ़ गई है। जैकेट्स लेने के बाद हम लोग निकले सीधे काली मंदिर के लिए। सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए गए काली मंदिर पे और जस्ट ये संगम टॉकीज से थोड़ी ही दूरी पे है, मैं अंदर नहीं जा सकती बिकॉज आई एम ऑन माय पीरियड्स। तो सब लोग गए अंदर दर्शन करके आए और मुझे बाहर वेट करना पड़ा। मैंने बेसिकली सबके जूते चप्पलों की रखवा ली गई यहाँ पे। ये सबसे मेन मंदिर है यहाँ काली जी का, काफ़ी पास है घर के तो हम जाते रहते हैं यहाँ पे, तो सब ने वहाँ पे जाके बढ़िया से दर्शन किए। वी आर एट डी बी मॉल क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी है। बेसिकली शॉपिंग नहीं करनी, वैसे हम लोग जैकेट्स देखने आए थे बट ये लोग ऑलरेडी जैकेट्स ले चुके हैं। यार दूसरे नंबर पे तो गोई आ रही है, छुप रहा हूँ ना यार। सो अभी हम ब्लैकबेरी के सामने हैं भाई, वहाँ ब्लेजर क्या होता है, ब्लेजर्स देख रहा है, ये बेल्ट देख रहे थे बाहर आ गए भाई। हमारा मतलब साला हमारा कोट देख रहा है, पता नहीं किसकी शादी में पहनना है पर कोट देख रहा है, पहनना है इंटरव्यू के लिए देख रहा है। मम्मी को ना एस्केलेटर का फोबिया है, वो हर जगह डरती हैं, चढ़ती ही नहीं है एस्केलेटर पे। तो यहाँ पे जीजा जी और दीदी उनकी हेल्प कर रहे हैं उनका फोबिया दूर करने पे। तो सबसे पहले पेट पूजा होना बहुत ज़रूरी है और देवी मॉल जो है ना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है,
तो हम लोग सबसे पहले गए मैकडोनल्ड्स में, एंड मैकडोनल्ड्स में मैंने मेरा फेवरेट खाया. सो मैं मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स नहीं खाती हूँ. यहाँ पे हमने बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मैकपफ दोनों ही ऑर्डर किया था. मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे भी डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे खाया अपना फेवरेट मैकपफ. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया ना, डेफिनेटली एक बार ट्राई करो. बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है. जब भी मैं मैकडोनल्ड्स जाती हूँ तो मैं हमेशा वही खाती हूँ. अपना फेवरेट मैकपफ खाने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ मिस्टर डीआईवाई गए. वहाँ से क्या लिया वो मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊँगी. पापा को जाना था आउट स्टेशन, तो हमें जल्दी घर आना पड़ा, इसलिए हम डीवी मॉल पूरा ना घूमे और सिर्फ हम लोग मिस्टर डीआईवाई घूम के और फिर हम वहाँ से खाने के लिए निकल गए अपना डिनर. हमें जाना था हमारे व्हीकल की पार्किंग में, हम कार पार्किंग में आ गए. हम वापस जा रहे हैं डीवी से कुछ खाने. लेट्स सी कहाँ जाते हैं. ऐसा लग रहा है बस की कर रहे हैं चारों. हम आए हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस खाना खाने और ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ मैं खाना खाने वाली हूँ. मैंने यहाँ कॉफ़ी पी हुई है, खाना कभी ट्राई नहीं किया. लेट्स सी कैसा रहता है. सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था नूडल डोसा और मुझे ये अच्छा लगा टेस्ट में. लाइक ऑड नहीं लग रहा था, कॉम्बिनेशन बढ़िया था. यहाँ पे सैलेड बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. हमने ऑर्डर किया था हांडी पनीर मिक्स वेज एंड रोटी. मिक्स वेज काफ़ी टेस्टी था, हांडी पनीर मुझे ओके सा लगा. उसके बाद हमने ऑर्डर किया था यहाँ का जीरा राइस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. पूरा डिनर करने के बाद हमने पी वहाँ की कॉफ़ी जो कि काफ़ी अच्छी थी. Tell me how the food. एक नंबर, घना स्वादिष्ट था. सबसे अच्छा क्या लगा? चावल. नूडल डोसा. इनका जीरा राइस बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है. हमने पहले हाफ प्लेट मंगाया और फिर हमने हाफ फिर मंगाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा और सबको लाइक था. We are back, you guys. अभी रात के 11 बज रहे हैं एंड द फूड वॉज अमेजिंग. मज़ा आया खा के. उसके बाद हमने एक कॉफ़ी भी ली तो काफ़ी अच्छी थी, अच्छा लगा. इसके अलावा हम डीवी में गए थे सिर्फ मिस्टर DIY, तो वहाँ से कुछ सामान परचेज किया था. खाई का ही सामान है मोस्टली, तो वो मैं आपको सब शेयर कर देती हूँ. तो वी हैव दिस फूड थर्मोमीटर जो उसके काम में काम आएगा. तो इससे बेसिकली आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव दिस बॉक्स का पूरा गिफ्ट सेट. ये मुझे किसी को गिफ्ट करना है. अगर उसने ये व्लॉग देखा तो उसे पता चल जाएगा. जब गिफ्ट करूँगी तो आपको बता दूँगी. इसके साथ मैं लेके आई हूँ ये पेंस गिफ्ट करने के लिए. ये मिस्टर DIY के ही है पेंस. इसके अलावा भाई ने लिए अपने लिए नाइफ. उसके पास एटलीस्ट 15-16 नाइफ का कलेक्शन है बिकॉज वो IHM कर रहा है, होटल मैनेजमेंट कर रहा है. सो ये इसके अलावा रखने के लिए कोई भी गर्म चीज़ स्टैंड. इसके अलावा वी हैव पीलर एंड ये अच्छा लग रहा है. इसका शेप भी अच्छा है और इस पर प्रिंट भी अच्छा है. यहाँ पे है पापा की जैकेट जो हमने ली थी तिब्बतियों से. एंड या दैट्स इट. अच्छा लगा, बहुत दिन बाद बाहर निकली थी, बहुत दिन बाद घूमी फैमिली के साथ, बहुत दिन बाद टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा, मज़ा आया. एंड आई होप आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. तो मेक श्योर यू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, कमेंट करके जरूर बताना ब्लॉग कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने खुश हैं आप, वापस के फोटो गए आते रहो, प्यार करो.